Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould and our today's topic is first chapter of unit 8 and that is a poem named I Am the Music Man. In this poem the poet is telling about a little boy who came from very far away and he is a very good musician, right? He can play the piano and the drum. And the girl is here who asks him what you play. Right, students? यह हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 8 का पहला चैप्टर जो कि एक पोम है उसका नाम है मैं एक म्यूजिक मैन हूँ, गाना बजाने वाला हूँ। ये एक कविता है। इस कविता में कवि हमें बताता है कि एक बच्चा जो बहुत दूर से आता है वो अपने आप को एक म्यूजिक मैन बताता है। तो वो लड़की उससे पूछती है कि भाई तुम क्या क्या बजा लेते हो, तो वो बताता है कि मैं ड्रम और पियानो बजाता हूँ। और वो किस तरीके से बताता है, चलिए पढ़ते हैं इस पोम में। राइट, आई एम द म्यूजिक मैन। आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले। व्हाट कैन यू प्ले? आई प्ले द पियानो, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले। व्हाट कैन यू प्ले? आई प्ले द बिग ड्रम, बूमटी 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 बूम, बूमटी बूम बूमटी बूम, बूमटी बूम बूमटी बूम, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। तो ये वो पोम है। दिस इज पियानो। राइट, इट इज अ हारमोनियम टाइप बिग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। राइट, तो कहता आई एम द म्यूजिक मैन, मैं एक गाना बजाने वाला आदमी हूं। आई कम फ्रॉम फार अवे, कम माने आना, फार अवे, फार अवे मीन्स बहुत दूर से, मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं कौन हूं, एक गाना बजाने वाला आदमी हूं। और आई कैन प्ले, प्ले माने खेलना होता है, मगर यहां प्ले मान लें बजाना भी है, ठीक है ना, कि मैं बजा सकता हूं। एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूं। तो वो लड़की पूछती है कि भाई व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या बजा सकते हो, क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, तो तुम क्या बजा सकते हो। तो फिर ये म्यूजिक मैन बताता है कि आई प्ले द पियानो, कि मैं बजा सकता हूं पियानो। और अभी आपने देखा था पियानो कहां है, ये है एक पियानो, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम की तरह एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। राइट, तो कहता है कि मैं एक पियानो बजा सकता हूं। अब पियानो की आवाज निकाल के बताता है, अब उसकी साउंड आ रही है, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। तो इस तरह की साउंड वो निकालकर बताता है। उसके बाद फिर जो हमारा बच्चा है वो फिर बोलता है, क्या कहता है, आई एम द म्यूजिक मैन, मैं एक गाना बजाने वाला हूं। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूं। एंड आई कैन प्ले, मैं बजा सकता हूं। वो लड़की फिर पूछती है भाई तुम व्हाट कैन यू प्ले, कि तुम क्या बजा सकते हो। तो बोलता है आई प्ले द बिग ड्रम, मैं एक बहुत बड़ा ड्रम बजा सकता हूँ। ड्रम आपने देखा होगा शादियों में, जो सबसे बड़ा डम डम करता है उसे हम ड्रम बोलते हैं। राइट, तो ड्रम भी बजा सकता हूँ। फिर वो ड्रम की आवाज निकाल के बताता है, बुमडी 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 बुम,
Bumdi bum, bumdi bum, bumdi bumdi bum. और फिर पियानो की आवाज निकालता है, पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो, राइट। तो ये एक कविता है हंसी मजाक मस्ती करने के लिए कि किस प्रकार एक म्यूजिक मैन बहुत दूर से आया है और वो क्या क्या चीजें बजा सकता है, वो इस पोएम में कवि हमें बताता है। नाउ द एक्सरसाइजेस, न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स हैं, म्यूजिक मैन, फार अवे, प्ले, पियानो, ड्रम, बूम। म्यूजिक मैन माने गाना बजाने वाला आदमी, राइट। फार अवे मतलब बहुत दूर से, प्ले मतलब खेलना या बजाना, पियानो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का गाना बजाने वाला यंत्र, ड्रम, ड्रम किसे बोलते हैं, बड़े ढोल को, और बूम ढोल की आवाज, राइट। नाउ फ्यू मोर क्वेश्चंस आर देयर, रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले। वो कहता है व्हाट माने क्या, आर मतलब हैं द टू इंस्ट्रूमेंट्स, दो इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स माने यंत्र, दैट द म्यूजिक मैन, जो दैट माने जो, द म्यूजिक मैन, जो म्यूजिक मैन है मतलब गाना बजाने वाला आदमी है, कैन प्ले वो बजा सकता है, ऐसे कौन से दो यंत्र हैं जो गाना बजाने वाला आदमी उन्हें बजा सकता है। तो कौन कौन से यंत्र थे, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे, वेरी गुड, सबसे पहला था पियानो एंड सेकेंड वाला था ड्रम। वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम, कहां से, वेयर मतलब कहां से आया है म्यूजिक मैन, कहां से आया है, तो कहां से आया है, द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार अवे, राइट। अब देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारे आंसर्स जो हैं, या लगभग सभी आंसर्स या तो शुरू हमारे क्वेश्चन से होते हैं या खत्म हमारे क्वेश्चन पर होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें हमारे क्वेश्चन से ही मिल जाती हैं। कैसे, अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले, तो हमने आंसर लिखा द टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले आर पियानो एंड ड्रम, बाकी सारा का सारा कहां से था, हमारे को क्वेश्चन से ही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम, म्यूजिक मैन कहां से आया था, द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार अवे, तो सारा का सारा आंसर तो हमारे को यहीं से मिल गया, हमने तो थोड़ा सा हिस्सा अपना ऐड किया है ना। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स टॉक, चलिए बातें करते हैं। इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू, अगर, इफ माने अगर, म्यूजिक मैन गाना बजाने वाला आदमी कम्स, आए टू यू तुम्हारे पास, तो व्हाट वुड यू आस्क, व्हाट मतलब क्या कहोगे, आस्क माने पूछना, तुम क्या पूछोगे या कहोगे हिम, उसको, टू प्ले फॉर यू, बजाने को तुम्हारे लिए, फॉर मतलब के लिए, यू मतलब तुम्हारे, अगर म्यूजिक मैन तुम्हारे पास आए तो तुम उसे क्या बजाने के लिए कहोगे, क्या बजाने के लिए कहोगे, सब अपने अपने तरीके से अलग अलग बता सकते हैं, कोई उसे ड्रम बजाने को बोल सकता है तो कोई उसे पियानो बजाने के लिए बोल सकता है ना। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूजिक, डांस और कराटे। अब वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ सीखना हो, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, तुम क्या पसंद करोगे, लर्न मतलब सीखना, तुम क्या सीखना पसंद करोगे, म्यूजिक, डांस या कराटे, तो म्यूजिक सीखना पसंद करोगे, डांस की कराटे, तो जो बच्चा जो सीखना चाहेगा उसको वो लिख सकता है ना। चलिए से अलाउड जोर जोर से पढ़ेंगे, पियानो, पिन, पेन, वैन, वैली, वोट, विंड, वेट, वाइल्ड, राइट। प्रैक्टिस के लिए है, सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टुगेदर, मेक अप अ ट्यून, कहता इस जो नीचे गाना दिया है, सॉन्ग दिस, सिंग दिस सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है उसको गाओ, अलाउड टुगेदर, इकट्ठे मिलकर जोर से, मेक अप अ ट्यून, और एक ट्यून भी बनाओ, अपनी मर्जी से कोई ट्यून इसकी बनाओ। अब क्या है, हाई हो, हाई हो, हाई हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल द डे लॉन्ग,
हाई हो हाई हो हाई हो हाई हो हाई हो हाई हो फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग हाई हो हाई हो हाई हो। कैसी लगी? क्या कहा हमने? हाई हो फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग हाई हो हाई हो हाई हो। ऐसे ही आप भी किसी तरीके में इसका सॉन्ग को गा सकते हैं। लेट्स राइट, चलिए कुछ लिखते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। कहता नीचे टेबल में ना कुछ वर्ड्स दिए गए हैं अलग अलग, आपने उनसे सेंटेंस बनाना है। कैसे? एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, अ फार्मर, ये लिखा ना, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। जो फार्मर है वो काम करता है फील्ड में। कहाँ है? अ फार्मर है। अब ये देखो, एक्ट, एक्ट माने नाटक करना, फ्लाइज मतलब उड़ना, प्ले मतलब खेलना या बजाना, वियर्स मतलब पहनना, सिंग्स मतलब गाना, और रिपेयर माने ठीक करना, और वर्क मतलब वर्क्स मतलब काम करना। तो यहाँ आ गया अ फार्मर जो है वो वर्क करता है किसमें? सॉन्ग गाने में, या इन द फील्ड खेत में। अ यूनिफॉर्म, या एक कोई यूनिफॉर्म पहनता है, या लाइट्स, म्यूजिक, अ प्लेन, अ इन फिल्म, ठीक है ना। तो अब ये कौन कौन है? अलग अलग लोग हैं। अ फार्मर है, सोल्जर है, सिंगर है, इलेक्ट्रीशियन है, पायलट है, एक्टर है और म्यूजिशियन है। तो पहले तो हमें इन सबका मीनिंग पता होना चाहिए। तो फार्मर किसे बोलते हैं? किसान को। सोल्जर बोलते हैं सिपाही को। सिंगर बोलते हैं गाना गाने वाले को। इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करता है। पायलट जो हवाई जहाज उड़ाता है। एक्टर जो एक्टिंग करता है फिल्म्स में, नाटक में। और म्यूजिशियन जो गाना गाता है, राइट। अब एक्ट माने नाटक करना, फ्लाइज माने हमने भी पढ़ी लिया था, ऐसे ही सॉन्ग्स मतलब गाना गाना, इन द फील्ड मतलब खेत में, अ यूनिफॉर्म मतलब एक ड्रेस है ना, लाइट्स मतलब बिजली, म्यूजिक मतलब गाना वगैरह, अ प्लेन आपको पता ही है, और इन फिल्म्स मतलब पिक्चरों में। तो अब एक फार्मर तो खेत में काम करता है, एक सोल्जर क्या करता है? यूनिफॉर्म पहनता है। तो क्या है? अ सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म। एक सिंगर क्या करता है? गाना गाता है, ठीक है ना। तो क्या? अ सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग्स, सिंग्स सॉन्ग्स है ना। एन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? बिजली ठीक करता है, ठीक करता है यानी रिपेयर्स, रिपेयर्स मतलब ठीक करना, क्या? लाइट्स, बिजली। अब पायलट, पायलट क्या करता है? उड़ाता है, फ्लाइज है ना, क्या? अ प्लेन। और एक्टर क्या करता है? एक्ट करता है, एक्ट किसमें? इन फिल्म्स, पिक्चरों में। और म्यूजिशियन क्या करता है? वो प्लेज करता है, प्ले करता है, बजाता है, क्या? अ म्यूजिक्स, ठीक है, वो म्यूजिक को प्ले करता है, राइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना के नीचे लिखेंगे। नाउ हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ट्राई टू सर्कल एट लीस्ट 4। नीचे एक मेज मतलब एक जाल सा बुना हुआ है, उस जाल में कुछ अलग अलग लेटर्स लिखे हैं, आपने उन लेटर्स से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ढूंढकर उसको सर्कल करना है, राइट। तो उसके लिए पहले हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए। अब जैसे कुछ यहां दिया, इसे क्या बोलते हैं? फ्लूट, इट इज ढोलक या ड्रम, ड्रम तो ये है, ये ढोलक है, राइट। उसके अलावा ये क्या है? सितार, दिस इज इकतारा, दिस इज तबला, एंड दिस इज पियानो, राइट। तो आपने कोई से भी 5 या 4 जितने भी आपको मिल सकते हैं उतने आपने ढूंढने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, I L S T U P, वेरी गुड, पियानो, PIANO, पियानो, राइट, दिस इज इक तारा, राइट। उसका DRUM, ड्रम, ये क्या है? फ्लूट, FLUTE, फ्लूट है ना। इसी तरीके से आप और भी ढूंढेंगे जितने भी आपको मिल सकते हैं, राइट। चेंजेस दीज वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। आपने नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है, राइट। तो सबसे पहले है बेंच, इसका प्लूरल होगा बेंचेस। बेंचेस की स्पेलिंग क्या होगी? BENCHES, बेंचेस, राइट,
फिर ब्रश का ब्रशेस, फिर ग्लास का ग्लासेस, बस का बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, राइट, ये क्या है, बस का बसेस, फिर टोमेटो, टोमेटो का टोमेटोज, उसके बाद डियर, डियर का डियर ही रहेगा, राइट, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, उसके बाद क्या है, शीप, उसके बाद क्या है, शीप, शीप का भी प्लूरल शीप ही होगा, राइट, उसके बाद है टूथ, टूथ का हो जाएगा टीथ, राइट, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत हो गए, गूज, गूज माने होता है गीजेस, ठीक है ना, वोमेन का वो मेन, एम ई एन हो जाएगा वोमेन, उसके बाद माउस, माउस का हो जाएगा माइस, माउस का माइस, उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन, और उसके बाद मैन, मैन का हो जाएगा मेन, एम ई एन मैन, और क्लास का क्लासेस, ई एस लग जाएगा, राइट, तो ये था आपका एक चैप्टर जो कि एक पोम थी, वो पोम थी आई एम अ म्यूजिक मैन। इस चैप्टर में हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना, है ना, जैसे कि भाई ड्रम और पियानो, राइट, और उसके अलावा इस मेज में हमें और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चला, जैसे फ्लूट, ड्रम, सितार, तबला, है ना, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और कई तरीके से होते हैं, जैसे कि किसी में हवा फूंक कर हम बजाते हैं, जैसे कि फ्लूट हो गया, उसमें हवा मारते हैं, माउथ ऑर्गन फूंक करते हैं, और इसके अलावा बैंड जो होता है कौन सा, जैसे ट्रम्पेट बोलते हैं, जो शादियों में आप देखते हैं बजाते हैं, पैं 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 की आवाज आती है, उसमें हम फूंक मारा करते हैं, एक होता है जिन्हें हम हाथ से बजा के करते हैं, जैसे हो गई हमारा ढोलक हो गया, तबला हो गया, ड्रम हो गया, है ना, उसे हाथ से या स्टिक से मारकर बजाते हैं, ढोल हो गया, ऐसे ही कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रहते होते हैं जिनमें वायर होती है, तार होती है, जैसे सितार, इकतारा, उसके बाद गिटार, है ना, तो ऐसे तरीके से हमने इसमें सीखा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी सीखा, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। That's all for today. Take care. Good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.